उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एनुअल वर्क कैलेंडर जारी किया और ये भी बताया कि विकास में कृषि का बड़ा योगदान है। बीज और पौधे किसान की जान होते हैं, किसान को बीज समय पर मिले इसे हम सुनिश्चित कर रहे हैं। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग द्वारा तैयार विभिन्न उद्यानिक निवेशों की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए कैलेंडर का अनावरण किया। इस दौरान उद्यान विभाग से जुड़े कई अधिकारी गण मौजूद रहे। विगत माह हुई कृषि एवं उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को वार्षिक कार्य कैलेंडर को जारी करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिनके कुशल निर्देश नेतृत्व में भारतवर्ष के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी औद्यानिकी को बढ़ावा देते हुए कृषकों की आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इस दौरान गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा, राज्य में मुख्यमंत्री के निर्देशन में उत्तराखंड राज्य में औद्यानिक का समग्र विकास करते हुए काश्तकारों को आय में गुणवत्ता वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का 19% से अधिक का योगदान है और उत्तराखंड की इकोनॉमी को मजबूत करने में हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है और धामी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जहां हम 50,000 पॉली हाउस लगाने जा रहे हैं, एप्पल मिशन में 800 करोड़ की व्यवस्था हमने की है, न्यूट्रिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। और अक्सर देखने में ये आता है कि बीज जो है किसान के प्राण होते हैं, पौध किसान के प्राण होते हैं और बीज समय से न मिले, पौध समय से न मिले और जिसकी वजह से मैं कहूं कि किसान की एक तरह से हत्या की हो जाती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।